Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. सबसे पहले तो स्लाइड प्लीज सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराता हूँ कि हमारी जो रिक्रूटमेंट टाइमलाइंस हैं हमने डिसाइड किए हैं आपके सामने आपके स्लाइड में हमारा जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो हमने 25 जून डिसाइड किया था बाकी ये कल शुरू हो जाएगा अभी पता चला कि हमारी जो एक फाइल होनी तो हो गई है तो ये कल हम शुरू कर देंगे अपना काम उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स एंड जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है अभी जब जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में वही इस बार भी हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें कुछ भी नया नहीं है हम वही उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि हर बार लेते थे इस बार थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में और आप लास्ट लाइन देखेंगे तो वहाँ पे उनका मेडिकल होगा और जो सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में तो फर्स्ट लॉट ऑफ अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है INS चिल्का उड़ीसा में वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे तो ये हमारा अभी तक का विजन है और इसको हम मैं मानता हूँ कि इसको हम पूरी तरह से जितनी टाइम लाइन्स हैं उसको पूरा करेंगे परसों से आज के बीच में मैं आपको एक दो इसको बंद कर दीजिए चले दीजिए ठीक है ये लोग देख रहे हैं बाहर टीवी में परसों से लेके आज के बीच में एक तो नई जो डेवलपमेंट्स हुई हैं एक तो है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और डीजी शिपिंग के साथ कई महीनों से बात चल रही थी और यस्टरडे कल ही डीजी शिपिंग ने अपना एक डीजीएस ऑर्डर जिसे कहते हैं 16 ऑफ 2022 उसको इश्यू किया है वो केवल अग्निवीर के लिए है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब अग्निवीर बाहर निकलेंगे तो वो किस किस ट्रेड में सीधे मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं डायरेक्ट उन्हें कई सारे प्रावधान दे रखे हैं ये ऑलरेडी मीडिया में है ये सोशल मीडिया में घूम रहा है ये डीजीएस ऑर्डर ऑलरेडी तो आई एम श्योर जो हमारे फ्यूचर अग्निवीर्स हैं नेवी के उसको भी शायद पढ़ रहे होंगे अपनी तैयारी के साथ करने के लिए इसके साथ ही डीजी शिपिंग ने एक डीजीएस ऑर्डर 17 ऑफ 22 भी कल इशू किया है मेरी और डीजी शिपिंग की मुलाकात हुई थी कल वहीं पे हमने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी एमओयू एक साइन किया है जिसके तहत भारतीय नौसेना और शिपिंग मिनिस्ट्री बट लार्जली डीजी शिपिंग विल वर्क क्लोजली दोनों एक साथ काम करेंगे और कई सालों से जो हमारी एक बात अटकी थी वो कल पूरी हो चुकी है जिससे कि नॉट ओनली अग्निवीर बट बाकी नौसेना के अधिकारी और सेलर्स जब वो नौसेना छोड़ेंगे तो वो भी उनकी जो पूरी सी सर्विस है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी काउंट की जाएगी और वो सीधे मर्चेंट नेवी में अपनी नौकरी कर सकते हैं